तो जय माता दी, राम राम। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अभी शाम का टाइम है, 9 बज गए। मुझे ध्यान ही नहीं था, मैंने मेहंदी लगाई है। ये तो ध्यान था कि मेहंदी लगाई है, पर टाइम का पता नहीं लग रहा। ये नहीं किया कि क्या टाइम हो गया, ये पता नहीं क्या वीडियोस देख रही थी। तो अभी ना मैं बालों को धो लेती हूँ, फिर बालों को धोना है। मैं नहा दिन को गई थी, तो रात को मेहंदी नहीं लगा सकती, फिर उस तरह ठंड रच जाए। तो मैं बालों को धो लेती हूँ, है ना, फटाफट से, फिर सूखेंगे कब। तो सुबह के सभी को राम राम सुबह के। और उसके बाद मैंने सुबह ही उठाया कैमरा, बस ये देखो अभी हमारे खा रही है यहाँ पे, गाय दुई मैंने। और ये देखो वहां पे इनको इंतजार है, हमारी चिंकी को दूध का। और चलो 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 देती हूँ, रुक। परी को दे दिया, इसको ना परी बोलते हैं ज्यादातर सभी, मैं इसको सुंदरी बोलती हूँ। मेरे को सुंदर लगती है बहुत ज्यादा, मेरे को लगती है। और देखो ऊपर जो जो अब ये वेट कर रहा है। हेलो, अब इसको भरी हो गया, पता है अभी ये 12-1 बजे तक नहीं आएगी, नहीं तो बार बार दौड़ी रहती है। लो जी अब ये पिएगी, अब इतना सा दूध बचा थोड़ा सा। जोजो कहाँ गए? जोजो, और मैंने मेहंदी लगाई थी ना बालों में, बहुत अच्छी लग चुकी है। तो अभी पता है आजकल ठंड है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, थोड़ी देर ऐसा सोच रही हूँ, थोड़ी देर रेस्ट, मतलब रेस्ट तो रेस्ट ही था, पर सुबह सुबह ना शरीर बिल्कुल थका हुआ होता है। तो और पता है मैंने मेथी खाई ना, मैं रोज खाती हूँ पीसी हुई मेथी सुबह सुबह, जिससे ना मेरे को काफ़ी फर्क पड़ा, वो अपने मोटापे में, जैसे जो पेट निकल गया था बाहर। और ये तो कुछ दवाइयों से भी होता है ना, जैसे जो हार्ड दवाइयाँ होती हैं उनसे भी होता है, उससे मेरे को काफ़ी फर्क पड़ा। मेथी खाती हूँ मैं, कभी छूट भी जाती है बीच में, इन बोरियों की मैं रेगुलर खाती हूँ, पर अब सारी फंस जाती है। वो बहुत बारीक पीसी है, मैंने पिसवाई है। ये देखो आसपास का जो व्यू है वो बहुत ही प्यारा सा है। तो ये देखो यहाँ पे, फिर मैं ये सुबह सुबह का ही काम था, मैंने कहा चलो इसको निपटा लेती हूँ। तो अभी तो रसोई में तो इस साइड से देती हूँ झाड़ू, और परले कमरों में परले साइड से। पर कई दिनों से देख रही थी ना मैं, ऊपर जाले तो छोटे छोटे जाले लग गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको पहले साफ कर लेती हूँ, पहले तो ये कंबल वगैरह। अब और लोग तो सोए हैं पर मैं ही उठी हूँ, तो मैंने अपना बिस्तर जो है, मतलब तो अपना कंबल ये कर दिया है। और ये हम किचन में बिछा के रखते हैं गद्दा, कई बार ना बैठने के लिए बाहर से लेके आए हम, कभी कभी बिछा देते हैं इसको किचन में, कभी कभी नहीं बिछाते। तो फिर यहाँ पे इस वाले बरामदे में झाड़ू देकर, और जो हमारा वो था ना, क्या बोलते हैं उसको, पोचा देने का, क्या बोलते हैं उसको, वो ना अम्मा ले गई, अम्मा को दे दिया। मैंने कहा चलो इसको तू ले जा, भाई मेरे से बैठ के नहीं दिया जाता पोचा। तो मैं इस तरह से यहाँ पे ये लगा रही थी, और छोटे छोटे थे, आप लोगों को भी नहीं दिख रहे होने, छोटे 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 से जाले थे, वो दिखते नहीं थे कैमरे में। तो देखिए अब ऐसा है ना कि इस घर में पता क्या है, मैं बहुत कुछ नहीं बोलती हूँ ये सोच लीजिए आप, लेकिन बस इतना है ना, कोई कोई ये नहीं बोलता कि आप जोर से चल रहे हो, या आपने तोड़ दिया घर, या आपने कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। तो बस घर छोटा है बड़ा है, हमारा घर तो बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है। कईयों के तो ऐसे भी नहीं होते बेचारे, वो सोचते कि हमारा इतना सा भी बन जाता। तो मैं कभी कंपैरिजन नहीं करती अपने घरों का किसी और के साथ, तो अभी मैं आप मेरा लोगों घर को कुछ छोटा चीज़ है। दिखाती हूँ यहाँ पे। ऐसे रखा हुआ, तो देखो मैं मशीन के लिए, मैं कल परसों से बता रही थी ना आप लोगों को। हाँ जो जो है ना बाहर बंद है दरवाजा, सो रहा है। तो ये मैं कल परसों से दिखा रही थी, हनी ने जोड़ तो इसको दिया है बड़ी, जोड़ना क्या, ये तो मेरे ख्याल में बस ये तो ऊपर ही रहता है, इसका नहीं होता कुछ नहीं, है ना, ऐसे ही रहता है, इसमें कुछ नहीं होता जोड़ने को, इसको फट्टा तो ऐसे रखते हैं, बाकी तो ये सारा जोड़ दिया है। पर पता क्या है, ये ना ये मेरे से पैरों का तालमेल नहीं आ रहा, पर ये ना है भी बहुत सख्त सख्त जैसा है,
अब इसको प्लीज़ मुझे बताएं आप लोग जो भी इसको चलाते हैं। मैंने यूट्यूब पे भी देखी थी वीडियो, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बता रहे हैं। ये हार्ड ही बहुत ज़्यादा है, अब इसका मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। मतलब भूल जाती हूँ मैं चलाते चलाते, और मेरे से दब ही नहीं रहे ये इसके जो ये देखो नीचे पैर ये वाला थोड़ा सा दिखाती हूँ करके आप लोगों को। बैठ के तो बिल्कुल भी दब रहे हैं, मतलब अब मैं क्या करूँगी, प्रैक्टिस से होगा या कुछ और तरीका है, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ये बहुत हार्ड, इतना हार्ड थोड़ी नहीं होता है, ये तो ये होना चाहिए ना ताकि ये जल्दी जल्दी चल सके, है ना। और मैं खड़े होके ना मतलब ऐसे जैसे दिखाती हूँ आप लोगों को, एक मिनट, इस तरह से ना मैं इस तरह से ना ये मेरे से जल्दी चल पड़ती है ना, देखना ये। उल्टा सीधा भी नहीं घूमना चाहिए, ये रखना पाओ। ये देखो ये टूट गए। बहुत शौक होता था मुझे कपड़े सिलने का, पर जब से मेरी गर्दन में दर्द हुई ना, मैं पहले अपने सारे कपड़े खुद सिलती थी, तो अब मैं इसकी माल, ये माल भी मेरे को ठीक नहीं लग रही है जो ये होती है ना इसको घुमाने की, ये भी मेरे को सही नहीं लग रही है, ये भी हम नहीं लेके आएंगे। तो बस अभी मैं छोटे मोटे सोचा कि चलो बाजू मतलब नहीं घूमती मशीन ना, तो पैरों से तो मैं चला सकती हूँ ना, गर्दन में पट्टा लगाया फिर अपने काम कर सकते हैं छोटा मोटा। तो रोज़ प्रैक्टिस करने से ना मेरे को आदत पड़ जाएगी, है ना, रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस किया करूँगी फिर मेरे को आदत पड़ जाएगी। तो चलो ये भी खर्चा बचेगा, फिर अगर मैं छोटा मोटा तकिए पुराने कपड़ों के बैठकू बहुत चीज़ें बनाती थी पहले मैं, अब तो मैंने कुछ भी नहीं बनाती हूँ मैं, पर अब मैं बनाने की कोशिश करूँगी हर चीज़। सुबह सारा काम करने के बाद फिर मैंने कर लिया था अपना मेकअप, बहुत अच्छी तरह से मेकअप करके मैं जा रही हूँ घास को। लोग जाते हैं घूमने, और जब मैं घूमने जाती हूँ तो मैं बिल्कुल मेकअप नहीं कर सकती, मतलब सिर्फ सिंपल काजल बिंदी लिपस्टिक इतना सा ही लगा सकती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेशन होता है ऐसे, और ऐसे ऐसा लगता है जैसे भारीपन जैसा लगता है। अब तो मैं किया करूँगी इधर उधर को भी, और तो फिर आज मैंने हाईलाइटर भी यूज़ किया है देखो, क्योंकि पता है क्या है अपने को ना, देखो कोई खुशियां देने वाला नहीं है ना, अगर लेनी है खुशियां ना आप खुद ही ढूंढ सकते हो, खुद ही पैदा कर सकते हो। आज के टाइम में ना इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी और इतनी ज़्यादा टेंशन है, हाँ, और यहाँ पे हनी ना पशुओं को बांध रहा है बाहर, पर आपने ज़रूर बताना मेरे को, पो दे देना मान देना। तो अब आ गया माँ दला डला बिगड़ गया जी। पहले नमस्ते करो, नहीं मैंने लेके कैसे नमस्ते करता, नमस्ते करो पहले, नहीं नीचे नीचे लेट के नमस्ते होगी, नमस्ते नमस्ते करो पहले, लेटो चलो नमस्ते करो, चलो नमस्ते करो बच्चे, नहीं छोड़ मैंने इसको ले जाना नहीं, ऊपर कर दे इसको, ये नहीं करता नमस्ते, ये करता नहीं नमस्ते मम्मा को, करो नीचे नीचे लेट जाओ ना, नीचे लेट जाओ, नमस्ते करो अब, चलो नमस्ते करो, करो मस्त करो 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 करी करी ऐसे भी होती नमस्ते, ऐसे होती है खाना मेरा पैर जो जो या नमस्ते कर चल जो जो चलो नमस्ते करो, चलो नमस्ते करो, करो बेटे करो 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 मस्त करो मम्मा को, नहीं थे ना ये बोल कर दे बोल जो जो लगे करने चल देखिए लेट हुआ चल चल अटकना करने दे कर जो जो माननी नहीं देवे ना, यही अदा मिंजो ना बड़ी से करो इतने मिंजो नीड़े देख दे।
करी नमस्ते शुनली 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 इसकी मम्मा ने नमस्ते करी नी मम्मा तीरा बिच सच्ची जन के तो आई रहा है रुक 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 तो बच्चे रुक चलो तो उठो चलो चल दे तेरा चिरन के लिए एक तो तेरे बाल जो चल उठ से उठ ना मैं उठ उठ चल नीना 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 चल देखा कितना वो करता है और यहाँ पे ना हन्नी बांध रहा है पशुओं को ये पता पानी नहीं पीती ढंग से ना मैं रंदा करे सा बच्चू ही है और अब ना हमने यहाँ पे बांधना शुरू कर दिया पशुओं को पता है क्यों क्योंकि पर धूप जल्दी आ जाती है पर यहाँ पे धूप आती नहीं ना आ जाती है सुबह सुबह पहले यही आती है पर आती ऐसी आता कि इनके पास नहीं पहुंचती और आज बादल लग रहे हैं भाई आज तो मौसम खराब है ये नहीं हुआ कहा इंद्र जन आते नहीं इन्होंने ये देवार कुछ मैं जानी है जो हन्नी ना सच हन्नी ना इनको घास नहीं देता रज के बोलता नहीं देता तो है ना घास देखो गायों का काम तो ये करता है कभी कभी ना कंजूसी कर देता है और इधर मेरा बेटा ना मेरा वेट कर रहा है और मैंने ठाकुरों की तरह इस तरह देखो अपने उसमें डाले हुए दुपट्टा तो बस अपने सुंदर होके चलो घास को पता है आज मैंने सारा पूरा मेकअप किया है जितना भी होता है पहले मॉइस्चराइजर फिर हाइलाइटर वगैरह नहीं फाउंडेशन सीरम नमस्ते करो आए मम्मा जो नमस्ते कल वो जो नमस्ते नमस्ते ये नहीं करना भाई परेशान हुआ तू लगा से नहीं जाए करने इसके में ना लो कर नमस्ते कर जी बस ठीक है देख रहे खेल खेल रहा है बस बच गया तो अभी मैं और जोजो आ चुके हैं यहाँ पे घास को ये वाला घास काटेंगे हम ये देखो पता है आज ना मैं आज मेरी ना नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई मतलब बस मेरी ये गर्दन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना तब तो मेरे को मतलब नींद ढंग से नहीं आती तो अभी देखो हमने ना काथी भी तोड़ रहे हैं यहाँ पे काथी लगे हैं काथी का साग भी हो रखा है तो उसको भी तोड़ेंगे हम तो और ये देखो यहाँ पे मेरा बच्चा मेरी जान मेरी गुड़िया मेरी गुगु है मेरे बच्चा बच्चो जो जो हाय कर लो जो जो आए नहीं करी किसी ने नहीं आज आए नहीं करी बम्मा ने कर लो आए इसके माँ बाल झड़ रहे हैं सच्चे जो जो देखो तो इधर देखो बेटे जो जो तो चलो मैं अब काट लेती हूँ घास फिर मिलती हूँ आपको बाद में सुबह से नींद लग गई है ये बने चुकाओ। खुलेगा भाई चुका रे ये क्या हुआ मेरे देखो ना यहाँ पे ये देखो ये काथी है ना अभी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं इनको तोड़ू ये देखो इसका साग होता है पिंक फूल का साग होता है पर कल तक देखती हूँ कल या शाम के टाइम तक हाँ नहीं आड़ी जाना देख ना मेरा जीव नहीं देख बोला जो गुड़ी रख नहीं आसी चली गया तो फिर आज मेरी देवरानी भी आई थी मेरे घर में घास को आई थी इसका घास है यहाँ पे फिर आते आते मैंने बोला चल तेरे को चाय बनाती हूँ तो यहाँ पे जो और बिल्ली बिल्लू हमारे जो यहाँ पे खेल रहे थे और बहुत प्यार से रहते हैं और इतने अच्छे से मतलब देखना देखो देखो बिल्ली कैसे कर रही है इतना प्यार आ रहा था ना मेरे को फिर मैंने ये वाली ना क्लिप शूट कर ली ये वाला जो सीन था जो दृश्य था ये मैंने कैप्चर कर लिया तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और सबसे प्यारा जो सीन था मुझे तो यही लगा अपनी वीडियो में ठीक है आज का आप लोगों को कौन सा लगा बताना ज़रूर और ना ही बदले की हो भावना ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हों अपने करम
वो बुराई करें हम भलाई करें, ना ही बदले की हो भावना। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करना चाहूँगी। ये ना बस ऐसे ही मुँह खोलता है काटने के लिए, ये काटता नहीं है, देखो जो कितना इतने प्यार से रहते हैं ना, काटता नहीं है, बस ऐसे दांत ऐसे दिखाता है, अभी पता नहीं मतलब खा देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और आप सब लोग पूछते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश से हूँ। और आप सब लोगों का बहुत सारा शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। जय माता दी। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं।